नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो दोस्तों ये जो नई प्रॉब्लम आई है, इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाने वाला हूं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अब मैं आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आ रहे एक न्यू प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पासवर्ड को फॉरगेट करने में हमें एक एरर आ रहा है, वो एरर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों कभी भी आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं, तो सबसे पहले आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाते हैं, फिर आप जहां पे लॉगिन करते हैं वहां ठीक नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप अपना यूएन नंबर कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे आपकी डिटेल मांगी जाती है, जिसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है वैलिडेट अगेन का, जिसमें आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं और अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक लगाते हैं, उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है, फिर आपको आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ता है, फिर आप चेक बॉक्स पे चेक लगाते हैं, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं, फिर आप यहां पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको यहां पे ये पेज नजर आने लग जाता है, जिसमें आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम यहां पे पासवर्ड एंटर करके उसके बाद यहां पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, और दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज नजर आने लग जाता है। और दोस्तों यहीं पे एक प्रॉब्लम हमें शो कर रही है कि हमें यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जिसपे लिखा हुआ है फॉर्म पैरामीटर टेम्पर, क्लिक हेयर टू रिट्राई रीसेट पासवर्ड। और दोस्तों जब हम यहाँ पे रिट्राई करते हैं और जब हम इस स्टेप तक पहुंचते हैं, तो हमें फिर से यही वाला एरर देखने को मिलता है। ये एक दो दिन से हमें ये एरर आ रहा है, सभी पीएम मेंबर को ये एरर आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर आ क्यों रहा है। हेलो दोस्तों, तो ये एक नई प्रॉब्लम है जो कि हमें यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे देखने को मिल रही है। जब हम अपने पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे हमें एक एरर आता है पैरामीटर टेम्पर का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरामीटर टेम्पर का जो एरर है वो क्यों आता है। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको ये एरर आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे पासवर्ड फॉरगेट करते टाइम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये एरर आपको और भी कई जगह देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो एरर है टोटली सर्वर की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप सभी को फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि जब भी आप कोई कमांड देते हैं, तो सबसे पहले वो कमांड आपके सर्वर तक पहुंचता है, और सर्वर अगर आपके कमांड को एक्सेप्ट करके रिप्लाई करता है और वो रिप्लाई आप तक पहुंच जाता है, तो सब कुछ ठीक ढंग से हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी अगर दिक्कत आ जाती है कि आपकी कमांड सर्वर तक ना पहुँच पाए, वो उसको एक्सेप्ट ना कर पाए या उसका रिप्लाई ना कर पाए, तो आपको ये पैरामीटर टेम्पर्ड वाला एरर आता है। ये आपको कहीं पर भी आ सकता है, तो ये टोटली सर्वर की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे में करना क्या है। तो दोस्तों ये एक सर्वर की प्रॉब्लम है। आप सभी को पता ही होगा कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें सिर्फ सिंपल सा ये करना है कि हमें थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मेंटेनेंस का काम खत्म हो जाता है, तो सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ही स्मूथली चलने लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी दिनों से मुझे ये कमेंट आ रहे थे, यानी कि पिछले एक दो दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मुझे पासवर्ड फॉरगेट करने में ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।